गुड़िया के लिए तो बना के रख दूंगी, वो आते पूछती है क्वेश्चन ही बनाया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, मैं भी आपके दुआओं से ठीक ठाक हूँ। तो आज के ब्लॉग को करते हैं शुरू। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। क्या बना रही है? आलू बैंगन बना रही हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने बताया नहीं कि हमारा लास्ट ब्लॉग मेरा कैसा था, तो आज भी इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर। मेरी नानी आई हुई है उनके लिए, उसने मिलना था। मैं उस दिन लेट आई थी ताकि मैं अपनी नानी को मिलूँ, लेकिन मेरी नानी नहीं मुझे मिली, तो वो लेट आए थे। तो आज फिर मैंने रोहन से कहा कि मुझे छोड़ के आओ अम्मी घर, तो मैंने जाना है अपनी नानी से मिलने। तो अब मैं जल्दी जल्दी करने लगी हूँ, ये सब्जी बनाने लगी, सब्जी बना के ताकि हमें दिक्कत ना हो खाने पीने की। सुबह को स्कूल भी जाना ना, बना के रख जाऊंगी, तो फिर हम बच्चों को तैयार करते हैं, तो फिर अम्मी घर जाते हैं। मैं तो कल मार लिया था। तो सब्जी मेरी बनकर तैयार हो गई है, प्याज भी मैंने कटिंग कर लिया है, टमाटर भी, हरी मिर्चें भी, प्याज, अदरक लहसुन ही मैं इसमें डालती हूँ। तो इस तरह मुझे मजे के लगते हैं। और ये सारे आलू, ये देखिए आलू मैं इस तरह के काटती हूँ, आलू भी काट लिए, बैंगन भी। और मैं बड़ी मजे की बात और हंसी की बात बताऊँ, ऐशली ने आके मुझे कह रही है मोटर नहीं आ रही, पानी चला। कहना था ना कि पानी नहीं आ रहा, मोटर चला दो। कह रही मोटर नहीं आ रही मामा, पानी चला दो। तो अब ऐश्लिन के क्या वर्ड्स बोला आपने? मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, मैंने यही बोल दिया, मोटर नहीं आ रही, पानी चला दो। नहीं मुझे पता नहीं चला, मैंने बोल दिया। अच्छा, तो कह लो। और मैं तो हंस हंस के इतना हंसे कि ऐश्लिन बेचारी कंफ्यूज हो गई कि मैंने क्या क्या दिया है। फिर हमने इसको बताया कि आपने क्या कहा है, क्या कहा क्या बाबा कहता अभी बचपन में है, अभी बड़े होना अपनी मामा के। हाँ, तो बेटियां माँ पे जाती हैं, है ना, ऐसे ही है ना, हम किसी से कम है। तो गाइस इधर ये देखो, मेरा प्याज जो है ना हल्का सा ब्राउन हो गया। मैंने अब इसमें मटर और हरी मिर्चें, मैंने कहा था ना मैंने अदरक लहसुन नहीं डालना, तो मैंने वो नहीं डालना। और ये जो बैंगन है वो मैंने अलग कर लिए, इनको पहले फ्राई करना है अच्छे से, इनको भून के फ्राई करके फिर इसमें डालूंगी आलू। अभी मैं मसाला बना लूँ पहले। एक बार मैंने बनाए थे फ्राई करके आलू, बैंगन फ्राई करके इनको निकाल के फिर मसाला बना के, तो बड़े मज़े के बने थे। लेकिन अब मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे सुस्ती पड़ी हुई है। तो अभी आई थी ना जॉब से लेट गई, मुझे ना नींद आ रही थी, फिर मैंने कहा नहीं मैं सोगी ना, तो फिर चर्च भी जाना है और बच्चों को भी नहलाना है, खाना भी बनाना है, इसलिए तो ये काम करना शुरू किया। चर्च कब जाना है? अब भी जाते हैं बेटा, बस वो पानी भी नहीं आया ना एकदम। तो ये देखो मेरा मसाला कितना जबरदस्त बनकर रेडी हो गया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ बैंगन। बैंगन मैंने धो के रख लिए थे, जब मैं पहले मैं जब काटती हूँ फिर वो धो लेती हूँ, फिर मैं धो लेती हूँ, तो दो बार धोती हूँ। ये थोड़ी देर पड़े रहे इसलिए काले हो गए, क्योंकि मैंने पानी के अंदर नहीं रखे, वो पानी में जब हो जाना था ये अच्छे से भुने नहीं जाने थे, इसलिए मैं पानी से लग रखती हूँ, धो के लग रख रही थी। और ये मैंने आलू भी धो के रखे हुए हैं मिक्स के नाम में। अच्छा, अब मैं इनको बड़े अच्छे से थोड़ी देर ना फ्राई करूँगी। क्या हुआ दीदी? मोटर चलाइए, पानी आ रहा है। नहीं भैया, भैया ने नहीं कहना, भैया भी बना रहा है, आप जाओ। अगर मैं ये पानी में डिप करके रख देती ना बैंगन, तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होने, इसलिए मैंने धो के इनको अलग से रखा था टोकरी में। अब मैंने टोकरी में निकाल के डिब्बे में रख दिया, क्योंकि आलू दे थे, आलू को ये बैंगन के बीज लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें मैंने रखे हुए थे। बैंगन भून भून के देखे कितने ज़बरदस्त हो गए हैं। अब मैं इनमें आलू डाल के थोड़ी देर आलू भी भूनूंगी, बैंगन तो अच्छे से फ्राई हो गए। मैं आलू डाल के इनको भी थोड़ी देर फ्राई करूँगी, इसके बाद मैं डालूँगी पानी, तो देखना इतने मज़े के बनेंगे। आप लोग को मैं साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनते हैं इनके। फूल जो शक्ल है फूल दिखा के पका के फिर दिखाऊंगी। कैसे
आलू ज्यादा भूनने से ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं, वैसे वो है ना बिगलो की वो स्मेल आती रहती है अगर ना ज्यादा भूने तो। मैंने डाल दिया पानी आलू भून के और बैंगनों में डाल दिया पानी, अब ये पकेंगे अच्छे से पकते रहेंगे। और ये देखो धनिया भी काट के मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, तो अब ये तैयार होने होने तक मैं पानी नहीं आ रहा, कुछ और कर लेती हूँ। तो सालन देखें कितना ज़बरदस्त मेरा भरकर तैयार हो गया है। मुझे इस तरह के बैंगन पसंद है, वो मुझे नहीं पसंद वो खड़े खड़े बैंगन, कुचले कुचले शाजिया को नहीं पसंद, कुचले कुचले खड़े खड़े। हाँ खड़े खड़े वो खड़े वो पता क्या होता है, ये बनाए इसमें ग्रेवी टाइप बना हुआ है। हाँ जी। वो होते हैं खड़े खड़े सूखे सूखे से। हाँ कुचले 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 नहीं मैंने कहा, मैंने खड़े खड़े कहा। तो ये मेरा सालन बन के तैयार हो गया, चाय के लिए मैंने पानी डाल दिया, अब मैं चूल्हे पे रखूंगी। चूल्हे पे तो रखी हुई है मैडम, बनने तो ये कितनी जबरदस्त धोई है, अब मैं खुद धोऊंगी फिर। नहीं तो नहीं मैंने नहीं धोई, राहुल ने धोई है, राहुल बर्तन ऐसी धोती है कोई बात नहीं। अच्छा तो आटा काम नहीं है, मैं रोटी बनाने लगी थी तो सिर्फ गुड़िया ने ये देखे दो तीन रोटियों का आटा, तो आटा नहीं था तो अब मैंने रोबन को बोला सबसे पहले आटा लेके आए फिर सारा गूंद के एक बार रोटी बनाऊंगी। आटा कैमन को मैंने भेज दिया, पैसे दिए, कैमन अभी लेने गया हुआ आटा। हाँ चलो ठीक आटा तो फिर रोटी बनाती। तो अभी सालन शालन हमारा हो गया रेडी। हाँ जी। तो अभी रोटी खानी है, वैसे मैंने तो सोचा था कि मैं अभी रोटी खानी कर दूं, रोबन को भी इसी तरह का सालन पसंद है, इधर कितना अच्छा बनाना। हां फिर एक दफा देख ले। हां ये इधर आ रहा है अंधेरा, यहां पर आप देखें रोशनी। हां अच्छा बना, टेस्ट भी अच्छा है। तो अभी रोटी बनानी है, रोटी खा के फिर आप लोगों को मैं घर छोड़ दूंगा, तो मैंने काम पे जाना। नहीं जाना नहीं। क्यों? बस अब मेरा दिल नहीं कर रहा, दिल बेईमान हो गया है। नहीं बेईमान नहीं हुआ, जब आपका मूड ऑफ हो गया था मैंने नाम लिया तो फिर मैंने कहा मैं नहीं जाती। मूड ऑफ इसलिए हुआ था, मैंने काम करना होता ना डेली, मैंने इधर उधर चक्कर थोड़ी लगाने। वो बड़ा टाइम लग जाता है, देखो एक दफा मैं आपको जब लेके आता हूँ स्कूल से 4 बज जाते हैं, तो 4 बजे के बाद छोड़ना कोई टाइम लग जाता है ना। अब देखो मैं जाना था 4 बजे, ये खाने के चक्कर में 7 बज गए। मैंने मम्मी घर जाना होता तो मैंने नहीं करना था, मैंने चर्च जाना था, मेरा दिल कर रहा था मैं चर्च जाऊं। तो आज वो आपको छोड़ देता हूं, जाते हैं। नहीं अब 7 तो बज गए हैं। तो सालन और रोटी हो गई है तैयार, मैंने रोबन का सालन अंदर रख दिया था, ये बाहर आ गया। ये देखो मैं इधर रख दी थी सालन और ये रोटी भी है, इनके लिए तैयार है। मैं का नान नान खाना भी नान दो रहने दो। अश्विन को नान बहुत पसंद है, वो कह रही थोड़ा सा बचा हुआ था तो कह रही मैंने खाना, तो मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा शायद ना खाएं सूखा हुआ, तो वो कह रही मैंने खाना। तो कैमन के आप भी रोटी खा लो बाबा के साथ, और ये खीरे इधर लेके आओ मैं इनको काट के दूँ। तब मैं अश्विन और कैमन के लिए रोटी बना रही हूँ, गुड़िया के लिए भी बना के रख दूंगी, वो आटे पूछती है कुछ नहीं बनाया।